फिरोजाबाद पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर मारा छापा। शिकोहाबाद क्षेत्र में चल रहा था जहरीली शराब का कारोबार। एसपी के निर्देश पर अवैध शराब की फैक्ट्री पर हुई छापामार कार्यवाही। हजारों लीटर शराब सहित फर्जी रैपर, ढक्कन और शराब बनाने का सामान बरामद। कोतवाली शिकोहाबाद क्षेत्र के एटा रोड पर पुरातन विद्यालय के पास चल रहा था जहरीली शराब का कारोबार। एसपी ग्रामीण राजेश कुमार ने दी पूरे मामले की जानकारी। शराब फैक्ट्री पकड़ी है जिसमें नकली देसी दारू बनाई जा रही थी। काफ़ी भारी मात्रा में शराब बनाने के जो सामग्री होती हैं वो मिली है, उपकरण मिले हैं। मौके पे एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। उस जहाँ पे बनाया जा रहा था वो एक विवेक शास्त्री नामक व्यक्ति का घेर है, वो वहाँ पे नहीं मिला अभी। तो तीन व्यक्ति और हैं इसमें जिनके गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, और ये बड़ी कामयाबी शिकोहाबाद पुलिस को मिली है इसमें। इसमें कितने आरोपी पकड़े और कितने दिनों से ये शराब बनाने का जखीरा चल रहा था? ये अभी जो एक गिरफ्तार हुआ है मौके से, उसका कहना था कि मैं तो वहाँ पे अभी कुछ दिन से ही काम कर रहा था और 300 रुपये मुझे इस काम के लिए रोज मिलते थे। मेरा काम था कि जो नकली शराब बनती थी उसके जो बोतल के ढक्कन लगाने का काम मेरा था वो मिला है। बाकी और इसने नाम बताया है, एक जो नीतू है, शराब माफिया है, उसका नाम बताया कि उसी की शराबें बनती थी और आसपास के लोगों को ये रिटेल सप्लाई करता था। इस तरह के काम में क्या अन्य जनपद के लोग भी शामिल हैं या किस तरह का माल बरामद? ये शराब बनाते थे प्लास्टिक की, इनके पास जो बोतल होती हैं जिनमें शराब भरते थे वो सब मिला है, और इसको ये आसपास के क्षेत्रों में ले जाके बेचते थे और इस तरह से बड़ा अवैध दारू बेचने का काम कर रहे थे।